दृष्टि पीसीएस के पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या है GPAI। तो चलिए जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में जापान में हुए G7 शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से लेकर परमाणु निरस्त्रीकरण तक और जनरेटिव AI को विनियमित करने की समस्या को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी यानी GPAI की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। तो चलिए बात करते हैं GPAI की। GPAI का पूरा नाम ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी के रूप में जाना जाता है। इसे 15 सदस्य देशों के साथ जून 2020 में लॉन्च किया गया था। इसको G7 के भीतर विकसित एक विचार के परिणाम के रूप में वर्णित किया गया है। इस पहल के तहत AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त गतिविधियों की सहायता से AI के संबंध में सिद्धांत यानी थ्योरी और व्यवहार यानी प्रैक्टिस के बीच मौजूद अंतर को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। ये पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर एक साथ लाकर AI पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। चलिए अब जानते हैं इस संगठन के सदस्य देशों के बारे में। वर्तमान में GPAI में सदस्य देशों की संख्या 29 है। ये देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, सेनेगल, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। और संस्थापक देशों की बात करें तो इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्लोवेनिया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ। और आखिर में जानते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों की कार्रवाई का वर्णन करता है जिनके लिए ऐतिहासिक रूप से मानव बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिदम आदि जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। AI में जटिल चीजें शामिल होती हैं, जैसे मशीन में किसी विशेष डेटा को फीड करना और इसे विभिन्न स्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देना। ये मूल रूप से सेल्फ लर्निंग पैटर्न बनाने से संबंधित है, जहां मशीन मुश्किल प्रश्नों का उत्तर दे सकती है, जैसे कि ChatGPT। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी यानी GPAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह जून 2020 में लॉन्च किया गया था। और कथन दो है, वर्तमान में GPAI में सदस्य देशों की संख्या 29 है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।